वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक फ्रेश वीडियो के अंदर, फ्रेश एपिसोड के अंदर। आप पढ़ रहे हैं के एस सर के साथ। अपन पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास की, जैसा कि सीरीज चल रही है, अपन चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, रियल नंबर वाला, वास्तविक संख्या वाला पढ़ रहे हैं। हिंदी मीडियम का लेक्चर होने वाला है। तो 2.3 के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अपन ने कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे, कुछ प्रमेय सोल्व की थी। अभी एग्जाम्पल अब सोल्व करेंगे। एक्चुअली प्रमेय अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है, 2.3, 2.4, 2.5। अभी अपन फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, उदाहरण नंबर 1 को सोल्व करने कोशिश करते हैं। तो उदाहरण एक नंबर आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक नंबर है, इसको एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, जिस तरीके से अपन पूरी परिमेय पढ़ी है पहले, तो चलिए सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं 7√5 क्या है, पहले एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे अपन, परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होती है वो किस प्रकार से लिखी जाती है, 7√5 बराबर a/b, a/b में लिखी जाती है, मतलब जिसका अंश और हर दोनों ही होते हैं। तो अंश और हर हो गया, और यहाँ a और b हो क्या हो गई, सह अभाज्य गुणनखंड। का मतलब आपको पहले ही पढ़ाया मैंने कि क्या होता है, कि दोनों के ही कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड होता है वो सिर्फ क्या होता है, वन होता है। तो सह अभाज्य गुणनखंड हो गया, कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आ जाएगा उसका, वन आएगा, ओनली वन आएगा। तो चलिए इधर करते हैं, तो ये √5 का √5 इधर रहने दूंगा, और a अपॉन b और ये 7 इधर डिवाइड में आ गया, ठीक है। ये अपना एक समीकरण नंबर 1 बन गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a अपॉन 7 b, सह अभाज्य गुणनखंड है दोनों, ठीक है, मतलब वन कुछ भी लिख दो, सह अभाज्य गुणन a b है, मैं वन लिख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे a और b दोनों को वन मान लूँ तो ये हो जाएगा 1/7, और 1/7 है क्या होता है, परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन लेकिन रूट पाँच ये जो होता है, ये क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। अपन ने पहले भी पहले क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, ये क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। अब आगे वाला तो ये हो गया परिमेय संख्या, और पीछे वाला क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो अपन ने जो माना, क्या माना अपन ने, ये कि 7√ परिमेय संख्या है, ये अपना प्रेडिक्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और इसका मतलब क्या है, 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। समझ में आया आपको, देखो कुछ नहीं करना है, बस क्या है, पहले मान लेना है कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो क्या मान लेना है, ये परिमेय संख्या है, इतना मान लेना है। अब परिमेय संख्या को हमेशा कैसा लिखा जाता है, अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, मतलब a अपॉन b के रूप में ले जाता है। और अंश और हर होता है वो हमेशा क्या होते हैं, सह अभाज्य गुणनखंड। सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जब एलसीएम निकालोगे a और b का साथ में, तो उनका कॉमन जो फैक्टर आएगा वो सिर्फ क्या आएगा, वन आएगा। सिर्फ एक कॉमन नंबर आएगा दोनों के बीच में, वो आएगा वन आएगा। तो सह अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, वन हो गया। अब इसको इसके बराबर लिख दिया, अब 7 यहाँ पे गुणा में था, इधर भाग में चला गया, तो ये हो गया a अपॉन 7 b हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, √5 हो गया। अब a और b दोनों की सह अभाज्य गुणनखंड है, मतलब कॉमन फैक्टर वन आएगा। मान लो मैं a और b दोनों की जगह क्या रख दूँ, वन रख दूँ, तो ये बन जाएगा 1/7 बन जाएगा। और 1/7 हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि वो क्या हो, किस फॉर्म में हो गया, a/b की फॉर्म में हो गया, ठीक है। हमेशा ही जिसका अंश और हर एक निश्चित इंटीजर होता है, मतलब धनात्मक संख्या होती है, एक भी धनात्मक संख्या है और 7 भी धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या 1/7 हो जाएगा, तो वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन √5 अपन ने थ्योरम प्रमेय 2.3 2.4 में क्या पढ़ा है, कि √3 √2 √5 ये सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, जो आगे वाला है वो तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पीछे वाला परिमेय संख्या है, अपने सवाल के अंदर ये दिख रहा है। तो अपन ने क्या माना था कि √7√5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो वो जो अपन ने माना वो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों एक ही हो सकते हैं। तो जो चीज़ अपन ने मानी थी वो क्या हो गई, गलत प्रूव हो गई। तो इसका मतलब क्या है, √7√5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या होगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला वाला सेकंड एग्जाम्पल अगले वीडियो के अंदर अवेलेबल है, तो वो आप जाके देखिए। और इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो पहले आप वो प्लेलिस्ट के अंदर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2.1 2.3 सारे ही क्वेश्चन इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 10th की हिंदी मीडियम गणित के अंदर दिया हुआ है। धन्यवाद।